स्वागत है आपका पार्लियामेंट्री बिजनेस में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। एक नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से राष्ट्रपति भवन में की मुलाकात। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर दी जानकारी। कोरोना और सीमा पर चल रहे तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया बड़ा बयान। कहा, देश के अस्पतालों में और बॉर्डर पर सेना पूरी तरह से है तैयार। विकास दुबे के दोस्त दयाशंकर अग्निहोत्री को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पूछताछ में दयाशंकर ने किया चौंकाने वाला खुलासा। कहा, पुलिस की दबिश से पहले विकास दुबे को पुलिस स्टेशन से ही आया था फोन। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को लेकर दिया विवादित बयान। कहा, विषैला सांप के काटने से जिस तरह लोगों की होती है मौत, उसी तरह निर्मला सीतारमन के कारण मर रहे हैं लोग। मुंबई में बारिश से हुआ जलभराव। मौसम विभाग का अनुमान, अगले 4-5 दिनों में मध्य और उत्तर भारत के अधिकतर इलाकों में हो सकती है भारी बारिश। हेडलाइंस में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पार्लियामेंट्री बिजनेस।